हे वेलकम टू द चैनल फैक्ट्स बाय विश्वजीत। क्या आपको पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद प्लैनेट्स को भी प्लैनेट्स का दर्जा पाने के लिए एक समय पर कुछ क्राइटेरिया से होकर गुजरना पड़ा था? यस, अगर हमारा अर्थ उन क्राइटेरियाज को फुलफिल नहीं कर पाता तो उसे एक प्लैनेट नहीं माना जाता। ये क्राइटेरियाज क्या है और क्यों और कब हमें इनकी जरूरत पड़ी, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम में आज टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। लेकिन क्या आपको याद है, जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तब हमें बताया जाता था कि हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 9 प्लैनेट्स हैं और प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम का 9th प्लैनेट हुआ करता था। लेकिन आज हमें बताया जाता है कि हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ 8 प्लैनेट्स हैं। तो क्या प्लूटो को किसी एलियन ने बर्बाद कर दिया या फिर कोई बड़ा सा एस्ट्रॉइड प्लूटो से टकरा गया जिसकी वजह से प्लूटो का नाश हो गया? इस बात का जवाब जानने के लिए हमें आज से कुछ 200 साल पीछे जाना होगा। आज से 200 साल पहले तक हम इंसानों के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी कि हम स्पेस में कई अरबों खरबों लाइट ईयर्स दूर के ऑब्जेक्ट को देख पाए। बट आज हम इंसानों के पास वो सारी टेक्नोलॉजीज है कि जिसकी मदद से हम दूर के ऑब्जेक्ट्स को भी देख पाते हैं। और इसी एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर क्लाइड टॉम्बोग ने प्लूटो की खोज की थी। प्लूटो एक गोलाकार सा ऑब्जेक्ट था जो सन के चक्कर लगाता था, जिसकी वजह से तब उसे एक प्लैनेट का दर्जा दे दिया गया था और इस तरह से प्लूटो बन गया हमारे सोलर सिस्टम का 9th प्लैनेट। बट कहानी यही खत्म नहीं होती। एस्ट्रोनॉमर्स का एक ग्रुप प्लूटो को प्लैनेट मानने से ही इनकार कर रहा था। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हो कि प्लूटो को प्लैनेट माने या ना माने, इस बात पर बहस करते करते पूरे 76 सालों का समय निकल गया था। साल 1930 से चली आ रही बहसबाजी का फाइनली 2006 में अंत हुआ। साल 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लैनेट्स के लिए नए रूल्स बनाए कि अगर किसी भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को प्लैनेट कंसीडर करना है तो उन्हें इन 3 क्राइटेरिया से होकर गुजरना होगा, जिसमें पहला क्राइटेरिया ये था कि वो ऑब्जेक्ट हमारे सन को ऑर्बिट करता हो, यानी हमारे सन के चक्कर लगाता हो। दूसरा क्राइटेरिया ये था कि वो ऑब्जेक्ट एक राउंड शेप में हो। और तीसरा क्राइटेरिया ये था कि वो ऑब्जेक्ट अपने आसपास के एरिया को क्लियर कर सके, जैसे कि हमारा अर्थ। अगर कोई भी एस्ट्रॉइड हमारे अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में आता है तो वो एस्ट्रॉइड या फिर तो अर्थ से टकरा जाता है या फिर अर्थ के चक्कर लगाता है। क्योंकि प्लूटो तीसरा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाया, इसकी वजह से उसे एक ड्वार्फ प्लैनेट कंसीडर कर दिया गया। ड्वार्फ प्लैनेट्स ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जो पहले 2 क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाते हैं। बस यही रीजन है कि प्लूटो को 2006 के बाद प्लैनेट नहीं माना जाता और इस तरीके से हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया जानने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे भी आपको ऐसे ही नॉलेजेबल फैक्ट्स मिलते रहेंगे। और एक बात, एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज ऑलवेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट।